दोस्तों, दो तरह के गेम्स होते हैं, एक होता है पेड गेम और एक तो होता है फ्री गेम। तो आज हम बात करने वाले कि कैसे पेड गेम और फ्री गेम पैसे बनाते हैं, और क्या आपको लगता है फ्री गेम सच्ची में फ्री है। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हम कवर करने वाले पबजी कैसे पैसे कमाता है, और पबजी प्राइम और पबजी प्लस के बारे में, जो बहुत ही जल्दी हमारे मोबाइल वर्जन में आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ देना, क्योंकि वो जरूर मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो और बाकी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, जैसे पहले पबजी लॉन्च हुआ था फ्री वर्जन में, जब मार्च में लॉन्च हुआ था पबजी फ्री वर्जन में, तो हम सब एक्साइट होकर पबजी को बुरी तरह डाउनलोड करके धड़ाधड़ गेम खेलने लग गए। लेकिन बाद में पबजी ने धीरे से सीज़न पास का इंट्रोडक्शन किया, जहाँ पे हम लोग को भाई की लगा कि यार अब ये सीज़न पास कुछ खास लगा, कि सीज़न खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के स्किन्स उसने इंट्रोड्यूस किया, गाड़ी के, बैग्स के, फिर साथ में अननोन कैश के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि आप अननोन कैश कैसे खरीद सकते हो, और धीरे धीरे वो हमको जकड़ने लग गया। अब लोग, अगर आप देखते हो, अभी करेंटली सीज़न 5 का जो पास है ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक पहुँच चुका है, मतलब उतने सारे लोग खरीदते। तो बेसिकली पैसे बनाते कैसे हैं, तो अगर आप देखते हो कि जो पेड गेम है, जैसे अगर आप एक अमेजिंग स्पाइडरमैन का गेम खरीद लेते हो जिसका कॉस्ट है 500 रुपये, एक बार आप 500 रुपये खरीद लेते हो तो आपको बहुत सारे इन गेम परचेजेस आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद आप खरीदना पसंद नहीं करो, क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी 500 रुपये बर्बाद किए, लेकिन क्यों खरीदना। लेकिन अगर आप एक फ्री गेम खरीदते हो, तो क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में पैसा पे नहीं कर रहे हो और साथ में भी दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि आप गेम में कितने लॉयल हो, कितने ग्रेट हो, तो आप क्या करते हो, उस गेम के परचेजेस खरीदने लगते हो। अब जैसे एक सीज़न पास का कॉस्ट है 2000 रुपीज़, तो वैसे धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में ही पेड गेम से ज़्यादा फ्री गेम में हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और इसी तरह फ्री गेम अपने गेम के स्किन्स और बाकी अपग्रेड्स को दे के हमको लालच करके पैसे कमा लेता है। तो फिलहाल आज हम बात करने लगे पबजी प्राइम और पबजी प्राइम प्लस के बारे में। ये दो ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जो बहुत ही जल्दी पीसी और मोबाइल फ़ोन में आने वाला है। तो बेसिकली ये क्या है, तो अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या है। जो हम बैटल पॉइंट्स कमाते हैं, जहाँ पर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता चला 5000 बैटल पॉइंट्स के लिए 50 UC आपको मिलने वाला है। आप लोग सही सुने, जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, एग्जांपल अगर आपके पास 5000 UC है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 50 UC तक हो सकता है। तो ये जो कन्वर्टिंग प्लान है, ये आपका पबजी प्राइम और पबजी प्राइम प्लस में होने वाला है। तो बेसिकली दोनों का प्लान्स क्या है कि अगर आपको एक गेम खेलना है जो आप अपने बैटल पॉइंट्स को यूसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक महीने का 71 रुपीज़, मतलब $0.99 एक पबजी प्राइम के लिए, और पबजी प्राइम प्लस के लिए $10, मतलब 10 × 70 करो 700 रुपये। लेकिन फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी ऑफर आया है जिसमें आपको वो 350 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पबजी किस तरह आपके दिमाग को यूज़ कर रहा है, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो फ्री में था गेम, लेकिन सीज़न पास आने के बाद आपका हर सीज़न में मेजॉरिटी, इनफैक्ट मेरे दोस्त लोग भी जो ऑलमोस्ट 50, 60, 70, 1 लाख रुपए तक खर्चा कर चुके हैं, और साथ में भी आने वाले रॉयल पासेस में भी वो रेडी है कि हमको खरीदना है। और ऊपर से मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो प्राइम आने वाला है, मेरे को रियली नहीं पता कि प्राइम का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, हर महीने का 350 रुपये दे रहे हो पबजी खेलने के लिए, तो भाई यार एक चीज़ है, पबजी धीरे धीरे ना वो हमको बुरी तरह लूट रहा है। देखो, मैं पबजी गेम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप अपना पैसा बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना। एक दो स्किन तो आप खरीद लोगे, लेकिन वो स्किन कितने खरीदोगे, हर दिन कोई ना कोई एक आध मार्केट में नए नए स्किन आ जाते हैं। कभी मम्मी का स्किन आ जाता है, कभी आके वो भालू का स्किन आ जाता है, कभी कुत्ते का, कभी शेर का, कभी लोमड़ी का, कभी वो डांसर लड़की का, पता नहीं क्या क्या ठुल्लू वाले स्किन्स आ जाते हैं। अब हर स्किन खरीदते होगे तो क्या बाबा अंबानी के बेटे हो, नहीं ना, आप तो भाई नॉर्मल इंसान के बेटे हो ना। तो मैं तो बस इतना ही सजेस्ट करता हूँ कि भाई लोग, आपका हार्ड अर्न मनी, आप मेहनत करके पैसे कमाते हो, सोच समझ के सही जगह इन्वेस्ट करना। पबजी प्राइम और पबजी प्लस के बारे में फिलहाल तो खाली हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन मिला जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं और भी कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah.